समाज के लिए कि मैं एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, उसी को बात को देख के कि ये पहला आदमी आया जो मुसलमानों को ऊपर लाना चाहता है कि बच्चों के पास भी तालीम हो। मैं जब भी खुश हुआ था कि गले तो लगा रहे ना मोहम्मद शमी को मोदी जी, अब क्या देखिए भाई गले लगाना है यार, मतलब क्या मिलेगा भाई आपको 18 करोड़ नौकरी में। से आए हैं उन्होंने देश में बेचे ही बेचा है। हो सकता है उस दिन बाहर वालों से सेटिंग कर लियो, बोले ये गेम भी तुम्हें बेच दिया। आप इस बात पे भी तो जाइए, आपने सुना होगा, आप ही मीडिया वाले सुनाते हो कि वो खिलाड़ी बिक गया, उसने इतने पैसे ले लिए वो बिक गया, तो भाई बोले भाई अब तुम्हें जितवा देंगे, मोदी जी और अमित शाह वहीं थे, हो सकता है डील कर ली हो। जो स्टेट में हम इलेक्शन हार रहे हैं और ये वहां जा रहे हैं, इन्हें मालूम था, इन्होंने हर जगह अपना नाम हटा लिया था, पहले तो मोदी साहब पे इलेक्शन वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन सर बीजेपी दावा कर रही है कि पांचों राज्य जीत रहे हैं। बहन नौकरी तुम्हें मिल जाती तो मेरे आगे कैमरा लेके नहीं बैठती। ऐसा है जिनके बुरे दिन आ रहे हैं वो नई से नई बात ला रहे हैं। अच्छा, जब किसी भी आदमी के बुरे दिन आते हैं तो वो ऐसी बात लाते हैं जो नहीं लानी चाहिए। ऐसे ही हलाल पे मसला क्या है कि मसले तो मालूम नहीं। अब उन्होंने किसी के कहने में आन के कि वोट हमारी तरफ हो जाए, उसके लिए उन्होंने नया मुद्दा लाए हुए जिसमें देश का सभी समाज जो नॉनवेज खाता है वो हलाल खाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर बीमारियां होती हैं खून के अंदर, और जब खून के अंदर बीमारियां होती हैं और हम लोग उसे हलाल करते हैं तो वो खून जो है झटके वाले से बेहतर एकक खून जो है उसमें से निकल जाता है, और उसके बाद में उसमें मटन रह जाता है, चिकन रह जाता है, वो हम लोग खाते हैं। इसलिए वो हलाल इसलिए कि उस जिस्म का एकक खून जो है वो उसमें से निकल जाए। अब अभी तक तो पनौती मोदी साहब पे चल रही थी, क्रिकेट में हार गए, अब योगी साहब जो है अपने यूपी में लिया इस बात को कि अब नई बात लाए। भाई हलाल उनके आदमी हमसे ज्यादा खाते हैं भाई, हम है कितने यूपी में 20%, 80% तो उनके लोग हैं, 80% में से 60% वो लोग नॉन वेज खाते हैं, बीमारियां उन्हें हो जाएंगी हलाल नहीं खाएंगे तो ये तो एक बेफालतू का मुद्दा है भाई। नौकरी नहीं देना चाहते, बोले इन्हें मसलों पे और मामलात पे इन्हें लटका दो, ये इनकी सोच है और कोई इनकी सोच नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अभी हमारे यूपी में इलेक्शन नहीं है, अभी उसके 2-4 महीने बाकी हैं एमपी के, अभी हमें बात करनी है राजस्थान पे। हम कांग्रेस पार्टी का जो काम है हमें उनसे ये पूछे हम कि भाई नौकरी कितनी दी, मोदी साहब ने जो वायदा करा था कि हमें नौकरी 2 करोड़ साल में देनी है उस पर चर्चा करेंगे हम। सर बोल तो दिया ना कि आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैर पे खड़े होइए। अरे भाई साहब सारी अगर चाय बेचने वाले हो जाएंगे तो चाय पीने वाले कहाँ से लाओगे आप? अगर सारी पकौड़ा बेचने वाले इंजीनियर और बड़ी बड़ी पदों पे रहने वाले लोग चाय बेचने लगेंगे, जिन बच्चों ने मतलब इंजीनियर करी है वो चाय बेचेंगे, इन जिन्होंने अपने माँ बाप का 2-2 करोड़ रुपया लगाया है पढ़ाई में, उनके माँ बापों ने कैसे जमा करके उनके ऊपर डिग्रियों पे पैसा खर्च करा है, क्या वो चाय बेचने के लिए लगाया था? चाय तो वो पहले ही बेच लेते 10 साल की उम्र से, जैसे मुस्लिम समाज बेचता है। उन्हें क्या जरूरत थी हिंदू समाज को, जिन्होंने 16-18 साल तालीम में लगाए डिग्री लेने में, ये तो नुकसान उन बच्चों का कर रहे हैं। और इसी वजह से इन्हें जो पांचों जगह हार रहे हैं वो मेन कारण क्या है कि नौजवान तबका जो है, हम लोगों की तो नौकरियां कहीं नहीं थी भाई, अब मिलेंगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमें भी भागीदारी मिलेगी, इसका मिलेगा। सर आपने जो पनौती वाली बात कही, पनौती क्या भाई, 2-18 करोड़ हिंदू समाज की नौकरी आ गए, पनौती नहीं क्या आएंगे? तो सर हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पाए, जैसे मैं छार गए, आप उस पे प्रधानमंत्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? भाई साहब वो जब से आए हैं उन्होंने देश में बेचे ही बेचा है। हो सकता उस दिन बाहर वालों से सेटिंग कर लियो, बोले ये गेम भी तुम्हें बेच दिया है। आप इस बात पे भी तो जाइए, आपने सुना होगा, आप ही मीडिया वाले सुनाते हो कि वो खिलाड़ी बिक गया, उसने इतने पैसे ले लिए वो बिक गया, तो भाई बोले भाई अब तुम्हें जितवा देंगे, मोदी जी और अमित शाह वहीं थे, हो सकता है डील कर ली हो इन्होंने।
इस पे क्यों नहीं ध्यान देते हो भाई? रेलवे इन्होंने भेज दी, भावुक हो गए मोदी जी, समी को गले लगाया। भाई साहब भावुक होके कोई फायदा नहीं था, इन्हें वहां जाना नहीं था। इन्हें मालूम है पांचों स्टेट में हम इलेक्शन हार रहे हैं और ये वहां जा रहे हैं। इन्हें मालूम था, इन्होंने हर जगह अपना नाम हटा लिया था। पहले तो मोदी साहब पे इलेक्शन वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन सर बीजेपी दावा कर रही है कि पांचों राज्य जीत रहे हैं। मेरी बहन नौकरी तुम्हें मिल जाती तो मेरे आगे कैमरा लेके नहीं बैठती आप बहुत बड़ी मतलब पद पे होती। आज तुम्हारी नौकरी भी पांच छह चैनल वालों ने कर ली। पत्रकारिता क्या पेशा अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा था तो? मगर इन्होंने सिर्फ दो तीन को आगे बढ़ा के आप लगभग जवाब नहीं होता तो पत्रकार को घेर लेते हैं आप लोग हैं, रिपोर्टर घेर देते हैं। भाई साहब ये आप लोग बहुत बुलंदियों पे जाने वाले बच्चे हैं, आप लोग सब मेरे छोटे भाई हैं। इन्होंने आपको भी ये कर दिया, सिर्फ उनकी सुनिए। आज तक वालों को देख लो, इन चैनलों को देख लो क्या हो रहा है। कोई बात मुद्दे वाली करते हैं, 18 करोड़ नौकरियां हिंदू समाज के खा गए 9 साल में। सर हम अपने काम से बहुत खुश है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की नौकरी खराब। सर जिस तरह राजस्थान का अब जो सर राजस्थान में मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है आपको, वो क्या जिम्मेदारी दी है और किस तरीके से निभाएंगे आप? मेरी जो जिम्मेदारी मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो मेरे अच्छे काम को देखते और मैं भी अच्छा काम करके पार्टी को दिखाऊंगा। अब पसमंदा समाज को चारों तरफ से पूरी इंडिया में जगह जगह जाके प्रचार करूंगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि राहुल साहब ने अभी सबके हिस्सेदारी और साझेदारी की बात करी है। सर ये काम तो बीजेपी भी कर रही है पसमांदा समाज को जागरूक करने का। अरे वो कहाँ कर रही है, उसने जो पसमंदा समाज के जो बैठे हुए थे दो तीन लीडर हमारे बीजेपी में, मैं भी उसी में था, मतलब उन्हें भी उन्होंने हटा दिया। शाहनवाज साहब कहाँ है? पर बीजेपी तो है, बीजेपी के हर जगह हम देखते हैं। अब अब्बास नकवी साहब कहाँ गए? कौन सा मुस्लिम लीडर है हमारा? पार्टी में ही है, पार्टी से तो बाहर नहीं गए ना। पार्टी में रहना अलग बात है, मुसलमानों का कौन सा काम करने वाले रह गए वो? कैसे उनका काम होगा? पासमांदा का जो भी मसला है वो लगातार बढ़ रही है, बीजेपी उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, जबकि इतना कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है पासमांदा। भाई मैं मोदी साहब की इस बात में तो तारीफ करूंगा, जो हमारी पसमांदा समाज सोया हुआ था, जिसे अपनी वैल्यू और औकात नहीं मालूम थी अपनी ताकत, इस बात पे तो मैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि पसमांदा समाज को उन्होंने जगा दिया और आज पसमांदा समाज सारे एक साथ हो गया। मतलब आप भी मोदी जी के फैन हो गए हैं? नहीं, फैन था मैं जब उन्होंने मोदी साहब ने एक नारा दिया था मुसलमान समाज के लिए कि मैं एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। उसी को बात को देख के कि ये पहला आदमी आया है जो मुसलमानों को ऊपर लाना चाहता है कि इनके बच्चों के पास भी तालीम हो। मैं जब भी खुश हुआ था कि गले तो लगा रहे ना मोहम्मद शमी को मोदी जी, अब क्या चाहिए भाई? गले लगाना यार मतलब उससे क्या मिलेगा भाई? आपको 18 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी। सर वही तो बात आ रही है, जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ने कर दिया। कहाँ करा? करा नहीं, उन्होंने तो तुम्हारी नौकरी में 18 करोड़ खा ली। कहाँ करा? अगर तुम्हें नौकरी दे दे तो हम तो मजदूर आदमी आज भी करोड़पति हो जाएंगे जब आप अरबपति होंगे। आप दिया नहीं ना। अमित शाह बयानबाजी कर रहे हैं कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण है वो SC ST OBC को दे दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है। भारतीय जनता पार्टी मेरी बहन अब कैसे जीत जाएगी? आप क्या बात कर रही? राजस्थान जाके देखो ना, तो राजस्थान देखो, मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान फुल बहुमत से जीत रही बीजेपी। अरे किसने कह दिया भाई साहब अंधेरे में मत रहो? मोदी जी ने कहा नहीं, नहीं अब अशोक गहलोत जो है सरकार में नहीं आएंगे। भाई अशोक वो किसे हमारी पार्टी जिम्मेदारी देती है वो हमारे राहुल साहब जानते हैं और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो जानते हैं। हमें वो हमारी फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है, समझे? नहीं वो वहाँ पे हम नहीं हार रहे, राजस्थान अब जीते हुए। और आप सबसे अपील करता हूं, लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पहले से ही कांग्रेस थी, उसी राज्य के अलावा और कहाँ कांग्रेस आ रही है? जैसे आप मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश के लोगों को हम देख रहे हैं वो लगातार बीजेपी के ही पक्ष में आए हैं, वो शिवराज के अलावा कोई और आए वो उससे भी खुश है, वो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान में तो लगातार है, राजस्थान में वापस से आना, राजस्थान के अलावा और कहाँ और कहाँ कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस के ऐसे कौन से काम है जिस पर लोग वोट दें?
कांग्रेस ने 75 साल हुकूमत करने के बाद में जो बनाया था उसे इन्होंने बेच दिया। कांग्रेस को वोट वो लोग देंगे जिन्हें दोबारा से वो चीजें चाहिए। भाई रेलवे इन्होंने बेच दी, रेलवे में नौकरी आप लोगों को मिलती वो बेच दी इन्होंने। आप क्या बात कर रहे हो भाई, जो उन बच्चों का हक 18 करोड़ बच्चे हिंदू समाज के होते हम भी कहीं ना कहीं 1% हो जाते, वो नौकरी तो मोदी जी खा गए, नौकरी खा गए, तमाम चीजें हो गए। हाँ। लेकिन इस चीज में एक चीज ये आती है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और जब कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा होता था कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, नौकरियां चली गई, तो बीजेपी पूरी सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन आज उस तरीके से हम कांग्रेस को सड़कों पे नहीं देख पा रहे हैं, हम उसे जनता विपक्ष के तौर पे हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। विपक्ष भाजपा जितना स्ट्रांग विपक्ष था, हम कांग्रेस को उतना स्ट्रांगली विपक्ष नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा है मेरी बहन, कुछ शरीफ लोग होते हैं, कुछ वो लोग होते हैं कि उन्होंने फौरन कोई भी बात होती है उस पर नाचना गाना शुरू कर दिया। आज वही बहन है हमारी बैठी हुई है, समझे नहीं, जो सबसे ज्यादा आपको मालूम ही है क्या कर सिलेंडर 1250 रुपए का कर दिया है, वो किसने करा भाई, वही प्याज जो 150 रुपए। कांग्रेस इस मुद्दे को भुना भी तो नहीं पाई, आम जनता आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा हमारी साक्षरता जो दर है वो लगातार नीचे आ रही है, हम लोगों के पास से नौकरियां जा रही हैं। लेकिन क्या कांग्रेस उतना स्ट्रांग विकल्प है जितना हम भाजपा को देख पा रहे हैं? क्योंकि भाजपा हर जगह पर आगे है, हर जगह उसका प्रचार है, हर जगह डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका कहीं नहीं बज रहा, डंका सिर्फ वो 2-4 आदमी बजा रहे हैं, वो डंका देश के अलावा विदेशों में भी डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा। भाई आप मेरे घर पे आएंगे आपको मान सम्मान दूंगा, मेरी बहन जो मेरे घर पे आएगा वो देते हैं। भाई ये इनके दौर में नहीं हुआ, जब हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्हें भी इज्जत और इसी देश के लोग कह रहे हैं कि विदेशों तक में डंका बज गया। इससे पहले में तो डंका खत्म हो गया, इंडिया के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे काम नहीं किया है। हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की बात करूँगा, बाहर कोई डंका नहीं बज रहा, कोई भी किसी का वहाँ मेहमान आता है उसका स्वागत करा जाता है। आप भी मेरे वहाँ जब मेहमान बन के आएंगे मैं आपका स्वागत करूँगा, जब मैं उनके वहाँ जाऊँगा तो वो मैं उनका स्वागत करूंगा। सर आखिरी सवाल लूंगा, जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में जो वादे पूरे किए हैं, क्या ये जो मध्य प्रदेश में वादे कर रहे हैं और तेलंगाना में कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, क्या इसको वादों को पूरा करेगी इससे कांग्रेस? साहब ये तो वादे हैं, और आप ये देखना इससे ज्यादा आपके समाज के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ये वादे जो है इससे ज्यादा राहुल साहब जो है इससे बड़ा काम करके